नमस्कार आदाब, मैं अर्जुन आपका एक बार फिर से द डेली हिंदुस्तान न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से एक और पॉजिटिव खबर के साथ आपके साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। लगातार आप डेली हिंदुस्तान को देखते हैं, उनकी उस खबर को हमेशा फॉलो करते हैं और हम भी आपके लिए भरोसा कि वो हर खबर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र की तरक्की के लिए सबसे अधिक अगर आवश्यकता किसी चीज़ की होती है तो वो है वहाँ का स्वास्थ्य, वो है वहाँ की एजुकेशन। और पिछले एक वर्ष से आप देख रहे हैं कि मैं भी लगातार SDH कुंदो में जाकर के स्टोरीज करता हूँ, खबरें करने की कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतरी उस हॉस्पिटल में देखने को मिली। आज एक बहुत अच्छा कदम, पिछले साल भी मैंने एक स्टोरी वहाँ पर की थी कि SDH कुंदो के अंदर जो है लाइट की किल्लत होने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। एक छोटी सी एक्सरे करने के लिए भी लोगों को बाहर का रुख करना पड़ता है क्योंकि लगातार बिजली की आपूर्ति वहां पर नहीं होती और उसकी वजह से लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज खुशखबरी यह है कि पिछले जो गुंदो चौधरी हनीफ साहब हैं, उन्होंने हमसे भी प्रॉमिस किया था कि मैं इस बार अपने बजट में से जो BDC फंड्स होते हैं उसमें से इस हॉस्पिटल के लिए एक बड़ी रकम दूंगा। क्योंकि उस समय के BMO साहब से मेरी बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि 17 लाख रुपए इस हॉस्पिटल को इस समय सुचारू रूप से लाइट 24/7 लाइट देने के लिए 17 लाख रुपए चाहिए और वो हमारे पास इस समय अवेलेबल नहीं, इस कारण से हम यहाँ पे लगातार लाइट की सुविधा लोगों को नहीं दे पा रहे। लेकिन उस समय BDC ने हमसे भी प्रॉमिस किया और हॉस्पिटल के प्रशासन से भी प्रॉमिस किया था कि वो ज़रूर अगले वर्ष ये काम पूरा करेंगे और आज उन्होंने ये काम पूरा किया है और इस हॉस्पिटल को एक बड़ा बजट दे करके जो है ग्रिड स्टेशन गुंदो में लगातार लाइट की समस्या को पूर्ण करने के लिए जो कमी थी बिजली विभाग के पास उसे पूरा करने के लिए वहाँ पे पैसा दिया, उस मशीनरी को वहाँ पे लगाया गया है और अब जो है एसेंशियल बिजली जो होती है, क्योंकि हॉस्पिटल को लगातार बिजली चाहिए, एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर मरीजों को लगातार लाना पड़ता है, जहाँ पर बीमार को हर वक्त आना पड़ता है, जहाँ पर आज सर्दी के समय में हीटिंग की भी आवश्यकता होती है और उसके लिए लगातार बिजली की आवश्यकता होती है और अब जो है वो आपूर्ति पूरी कर ली गई है, उस समस्या को पूर्ण कर लिया गया। और मैं इस अपने चैनल के माध्यम से BDC को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ क्योंकि अगर हम कहीं पर नकारात्मकता कई पॉलिटिशियंस की दिखाते हैं तो सकारात्मकता दिखाना भी हमारा काम है। अगर कोई पॉलिटिशियन, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, जब वो किसी समाज के लिए एक बड़े लेवल पर कोई अच्छा काम करेगा तो हम अपने प्लेटफॉर्म से ज़रूर उसकी सराहना करेंगे। तो चौधरी हनीफ साहब ने 17 लाख का एक बहुत बड़ा बजट जो चाहिए था लगातार बिजली की आपूर्ति के लिए SDH गुंदो के लिए, उसको वो आज प्रोवाइड करवाया है और कल से SDH गुंदो के अंदर जो है लगातार बिजली की आपूर्ति होगी। कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हमारे अस्पताल की, हमारे हॉस्पिटल की जो दशा है वो आने वाले वक्त में और बदलेगी। यहाँ पर और साधन आने उपलब्ध होंगे, और साधन यहाँ पे मिलेंगे ज़रूर। अभी भी मेरी बहुत सारी शिकायतें सरकार से हैं क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर अभी भी बहुत सारे डॉक्टर्स की कमी है, बहुत सारी मशीनरीज की कमी है। अब लाइट तो हमारे पास है लेकिन बिजली के साथ साथ अब हमें वहाँ पर ब्लड बैंक की आवश्यकता है, हमें ऑपरेशन थिएटर की आवश्यकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार इसकी ओर भी ध्यान देगी और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इस ओर ध्यान देंगे और आने वाले वक्त में हम अपने इस हॉस्पिटल को एक बेहतरीन हॉस्पिटल बना पाएंगे और हमारे लोगों को इलाज करवाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, कहीं दूर नहीं भटकना पड़ेगा और SDH गुंदो में ही हमारे सब इलाज हो पाए। उम्मीद करती है आप हॉस्पिटल गुंदो जाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको 24 घंटे वहाँ पर बिजली मिलेगी और आपके जितने भी काम हॉस्पिटल के परिसर के अंदर होने चाहिए वो आपके जल्द हो जाएंगे। आप सभी लोगों का डेली हिंदुस्तान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।